हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको फ्लोट प्रॉपर्टी के बारे में पूरी डिटेल्स बताई थी, जिससे हमने बेसिक एचटीएमएल का लेआउट बनाना सीखा था। अगर वो वीडियो गाइस अभी तक आपने नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसको चेक कर सकते हैं। आज बेसिकली मैं आपको सीएसएस की पोजिशन प्रॉपर्टी बताने वाला हूँ। इस तरीके से गाइस पूरा सीएसएस हम कवर करने वाले हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मेरे साथ बने रहिए। मैं हूं अभिनव कुमार, आपका टेक्निकल कोच, जहां मैं बात करता हूं सिर्फ आईटी के बारे में। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे। गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको सीएसएस की प्रॉपर्टी से प्लॉट प्रॉपर्टी जो थी हमारी, बेसिकली उससे बेसिक लेआउट एचटीएमएल का हम कैसे सेट कर सकते हैं वो मैंने पूरी डिटेल्स में बताया था। अगर वो वीडियो गाइस अभी तक आपने नहीं देखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। आज बेसिकली मैं आपको सीएसएस की पोजीशन प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल्स बताने वाला हूँ कि पोजीशन प्रॉपर्टी क्या होती है, उसको क्या बेनिफिट है और वो कैसे काम करती है, इसके बारे में पूरी डिटेल्स बताऊंगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, पूरा सीएसएस कवर करेंगे। देन इसके बाद बाकी वेब डिजाइनिंग का, जावास्क्रिप्ट, जेक्वेरी, सब चीजें इसमें अंदर कवर होने वाली है। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। जैसे ही गाइस आज हमारी सीएसएस की 15 नंबर क्लास है तो मैं पेज को वैसे ही सेव करूंगा 15.html से। कंट्रोल एन से मैंने पेज नया ले लिया और पेज को मैं सेव एज कर रहा हूँ। सेम फोल्डर है डेस्कटॉप पे एचटीएमएल और सीएसएस का, उसके अंदर मैं 15.html से पेज को सेव एज कर रहा हूँ और बेसिक कोड मैं लिखूंगा जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले पेज को थोड़ा सा जूम आउट कर लिया जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर विजिबल हो जाए। बेसिक स्ट्रक्चर लिख रहा हूं पहले, टाइटल। टाइटल के अंदर बेसिकली आज जो हम पढ़ने वाले में वो लिख देता हूं, सीएसएस पोजीशंस के बारे में बताने वाला हूं तो उसके बारे में बताऊंगा। देन आपका बॉडी टैग एड के बाद और बॉडी टैग क्लोज। इसके अंदर अब मैं जो सीएसएस की पोजीशन प्रॉपर्टी होती है गाइस काफी इंपॉर्टेंट है कि हम एक वेब पेज को किस तरीके से अपने डिवीजन को सेट कर सकते हैं पोजीशन देके। पोजीशन बेसिकली 5 पोजीशंस होती है, इसके अंदर सबसे पहली पोजीशन हमारी स्टैटिक होती है जो डिफॉल्ट होती है, मीन जब हमें पोजीशन यूज ही नहीं करनी होती तो हम डिफॉल्ट स्टैटिक पोजीशन लिख सकते हैं, तो वो एक पोजीशन है तो उसको मैं लगा के दिखाऊंगा आपको। देन आपको पोजीशन आपको रिलेटिव पढ़ना है, रिलेटिव मीन्स किस हिसाब से वर्क करता है वो पोजीशन समझाऊंगा। उसके बाद आपको रिलेटिव के बाद एब्सोल्यूट होगी, एब्सोल्यूट के बाद आपका फिक्स आएगा, फिक्स के बाद आपकी स्टिकी होती है। तो ये सारी 5 प्रॉपर्टी होती है जो हमारे पोजीशंस में आती है, तो उसके बारे में पूरी डिटेल्स में बताऊंगा, वन बाय वन हम इसको कवर करेंगे। पहले मैं इसको ऐसे कमेंट में लिख देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा नोट बनाने के लिए आसानी हो जाए कि हम बेसिकली पोजीशन में कितनी पोजीशन होती है और इसमें क्या क्या काम यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं कमेंट डाल देता हूँ और हेडिंग है हमारी सीएसएस पोजीशन। सबसे पहली जो पोजीशन बताई है मैंने स्टैटिक होती है, स्टैटिक डिफॉल्ट पोजीशन भी बोलते हैं इसको। देन हम इसके बाद रिलेटिव पढ़ेंगे, रिलेटिव, देन आपका एब्सोल्यूट और उसके बाद आपकी फिक्स और फाइनली आपकी स्टिकी होती है, ये स्टिकी पोजीशन। तो ये 5 पोजीशन है गाइस जो हम लोग बेसिकली इसमें कवर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से पहले हम एचटीएमएल का बेसिक टैग लगाऊंगा मैं, जिससे आपको मैं स्टैटिक पोजीशन का यूज दिखा दूं कि क्या यूज है। बेसिकली डिफॉल्ट होता है, मींस इसका कोई, जब हमें कोई पोजीशन सेट नहीं करनी होती तो हम इसको डिफॉल्ट लगा देते हैं, स्टैटिक लगा देते हैं। इसको लगाओ या ना लगाओ कोई इतना इफेक्ट नहीं होगा, तो इसलिए हम इसको डिफॉल्ट भी बोलते हैं, डिफॉल्ट पोजीशन होती है ये। ठीक है, मैं इसको फिर भी आपको एक डिप पे लगा के दिखाता हूँ किस तरीके से काम कर रही है। पहले डिवीजन बना लेते हैं गाइस, जैसा हमने लास्ट वीडियो में डिप बनाना सीखा था, डिप, और इस डिप को मैंने क्लोज कर दिया। इसके अंदर जस्ट मैंने ऐसे लिख दिया, लाइक कुछ भी लिख सकते हैं। सीएसएस से थोड़ा सा इसको सेट करूंगा जिससे इसका बॉर्डर और सब चीजें आपको दिखाई दे जाए। तो एक क्लास बना लेते हैं हेड के अंदर ही स्टाइल में। क्लास का नाम मैं वन दे रहा हूँ, आप किसी भी नाम से बना सकते हैं। और इसके अंदर जो आपको देना है, लाइक मैं सबसे पहले बॉर्डर दे रहा हूँ जिससे मुझे इसका एरिया दिख जाए 1 पिक्सल सॉलिड रेड। इसका विड्थ दे देते हैं, विड्थ लाइक मैं इसके अंदर पिक्सल में वैल्यू दे रहा हूँ 500 पिक्सल। वन वाली क्लास को कॉल कर लेते हैं इस डिप पर एक बार, आपका क्लास
पेज को एक बार रन करके देखते हैं अभी क्या इफेक्ट रहा है इसका। तो हमारा 15.html से पेज है, तो इसको हम एक बार चला के देख लेते हैं। तो आप देख ले रहे इसके लिए सिंपल सा ये डिव बनाया, इसे बॉर्डर लगाया है, 500 पिक्सल मैंने सर्विस डाला है, तो इस तरीके से भी दिख रहा है। पोजीशन जो पहली पोजीशन है बेसिकली वो कैसे काम करेगी, जो आपकी स्टैटिक है मींस उस पर भी कोई इतना इफेक्ट नहीं आएगा अगर मैं उसको लगा भी दूंगा। लाइक पोजिशन आपका स्टैटिक, पोजिशन स्टैटिक लिखने से अभी इस वाले डिव पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, जैसा है वो वैसे ही रहेगा। अगर मैं स्क्रॉल अप डाउन भी कर दूं, डेटा इसमें ज्यादा भी ले आऊं, तो भी इस पे अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अभी इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं है। तो स्टैटिक डिफॉल्ट होते रहे, जब हमें पोजीशन कुछ भी सेट नहीं करनी होती तो हम स्टैटिक लगा सकते हैं, तो इसलिए हम डिफॉल्ट पोजीशन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अभी आपको रिलेटिव एब्सोल्यूट एंड फिक्स एंड स्टिकी, ये चार पोजीशंस है जो मेन होती है, जो एक वेब पेज पर जब सेट करते हैं तो उस पर लगाते ही है, तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा अभी आपको। दूसरी पोजीशन के बारे में आते हैं आपका जो है हमारा रिलेटिव, रिलेटिव पोजीशन बेसिकली क्या कहता है कि जो पोजीशन होती है, जब हम पोजीशन आपके एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो उसके साथ हम लेफ्ट राइट टॉप बॉटम ये चार कीवर्ड आपके यूज हो जाते हैं, तो चार कीवर्ड में आप अपने हिसाब से पिक्सल में वैल्यू दे सकते हैं, वो उस हिसाब से आपका रिलेटिव लगाओगे। तो रिलेटिव कहते हैं कि वो अपने जो भी व्यू पॉइंट होते हैं, जो उसके नियरेस्ट डिव होता है उसके हिसाब से वो राइट लेफ्ट टॉप करता है। मैं एक बार आपको इसको लगा के दिखाता हूँ। लाइक मैंने इस डिव से पहले एक पैराग्राफ ले लिया, दिस इज टेस्टिंग पैराग्राफ, लाइक मैंने इस तरीके से डाला, पेज को एक बार रिफ्रेश कर देते हैं, और जो रेड कलर का है वो मेरा लाइक डिव है जिसमें मैं पोजीशन लगाने वाला हूँ, और जो नॉर्मल पी है वो इस तरीके से, इसके अंदर भी मैं बॉर्डर लगा देता हूँ जिससे इसका एरिया में दिख जाएगा। इनलाइन सीएसएस लगा रहा हूँ, शॉर्टकट है लाइक आपका बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लू, तो इस तरीके से मैंने इसमें लगा दिया है, रिफ्रेश किया तो वो आपका फुल आ रहा है। अब जो भी पोजीशन हम लगाएंगे इस रेड वाले में लगाएंगे, जिसमें आपको पोजीशन आपको समझ में आ गया कंसेप्ट क्या है। पोजीशन जहां मैंने वन वाली क्लास में स्टैटिक लगाई थी, अब मैं इसको रिलेटिव कर रहा हूँ। जब हम पोजीशन रिलेटिव लगा देते हैं, अभी तो देखिए गाइस कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे, लेकिन रिलेटिव जब या रिलेटिव एब्सोल्यूट या स्टिकी या फिक्स लगाते हो तो आपके पास चार कीवर्ड्स अवेलेबल हो जाते हैं, मीन चार प्रॉपर्टी और अवेलेबल हो जाती है, जिसमें आपको लेफ्ट राइट टॉप बॉटम ये चार वैल्यू आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। तो मैं लेफ्ट लगा रहा हूँ, लेफ्ट में लाइक मैंने इसको 50 पिक्सल डाल दिया, ठीक है। तो ये जो पोजीशन है आपका बेसिकली जो रिलेटिव है वो किस तरीके से वर्क करेगा, एक ऊपर पैराग्राफ भी लगाया है, रिलेटिव देखिए आपका कैसे कर रहा है। तो लेफ्ट मतलब आपका लेफ्ट हैंड साइड से लाइक तरीके से मार्जिन जैसा काम किया, लेफ्ट से आपका 50 पिक्सल थोड़ा दूर हो गया, मतलब गैप आ गया। अब मैं इसको टॉप से लगाता हूँ कि टॉप कितना रहेगा, लाइक मैंने इसी के अंदर ये टॉप भी लिख दिया। जब आप पोजीशन लगाएंगे तभी लेफ्ट राइट टॉप बॉटम ये चार कीवर्ड आपके यूज हो सकते हैं और तभी ये काम करेगी, ध्यान रखना है आपको। लाइक इसके अंदर मैंने 70 पिक्सल डाल दी वैल्यू, और इसको मैं एक बार चेक कराता हूँ, रिफ्रेश किया तो अब गाइस जो ये गैप आ रहा है वो एक तरीके से आपका जो ये पैराग्राफ है ये 70 पिक्सल ये वाला गैप बना है जो यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब वो आपके नियरेस्ट के व्यू पॉइंट के हिसाब से चलता है। इसका जो व्यू पॉइंट है, व्यू पॉइंट में जो स्क्रीन के हमारे कॉर्नर्स है वहां से ले रहा है, इसका जो मेन पॉइंट था लेफ्ट का वो ये वाला था, तो यहाँ से लेफ्ट हो गया, और जो ये पैराग्राफ है वो यहाँ से 70 पिक्सल आ रहा है, मीन्स जो ये पैराग्राफ का बॉर्डर ब्लू वाला और रेड वाले के बीच में जो गैप है वो बेसिकली एक तरीके से मार्जिन आपका टॉप लगा है। इस तरीके से राइट भी और आप अपना बॉटम भी अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। तो रिलेटिव का कहने का मतलब है रिलेटिव अपने एक तरीके से जो नियरेस्ट है होता है उसके हिसाब से चलता है, उसको बेसिकली हम रिलेटिव लगाते हैं, रिलेट टू द नियरेस्ट व्यू पॉइंट टैग जो होगा उसके हिसाब से वर्क करेगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पोजीशन की बात करते हैं जो हमारा एब्सोल्यूट है। अब जो गाइस आपका बेसिकली एब्सोल्यूट पोजीशन है, एब्सोल्यूट पोजीशन क्या कहता है कि वो जो वर्क करता है वो अपने बिल्कुल जो उसके नियरेस्ट होगा जो भी टैग होगा, मतलब लाइक मान के चलिए कोई एक मेन बॉक्स है और उसके अंदर आपने कोई और टैग ले लिया, तो जब हम अंदर वाले पे टैग पर पोजीशन एब्सोल्यूट लगाएंगे, एब्सोल्यूट मींस एब्सोल्यूट नियरेस्ट, मींस वो व्यू पॉइंट को नहीं देखता, वो मेन ऊपर वाले बाहर वाले टैगों को नहीं देखता, उसके जो सबसे नियरेस्ट क्लोजेस्ट टैग होगा उसको वो देख के राइट लेफ्ट टॉप बॉटम करता है, उसके हिसाब से पोजीशन आपका जो एब्सोल्यूट है वो चलता है। मैं एक बार लगा के दिखाता हूँ उसके अंदर कि एब्सोल्यूट कैसे काम कर रहा है। मैं एक नया टैग बना लेता हूँ, एक एचआर लगा दिया पहले और एक डिव बनाया, और इसके अंदर
लाइक मैंने एक सीएसएस से पहले इसको सेट कर लेते हैं जो भी हमें देना है। लाइक इसके अंदर मैंने बॉर्डर ही लगाया पहले, वन पिक्सल सॉलिड ग्रे, मीन्स मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ पहले जिससे आपको थोड़ा सा विजिबल हो जाएगा किस तरीके से काम कर रहा है। इसका विड्थ दिया लाइक 600 पिक्सल दे दिया, एक हाइट दे देते हैं इसकी, थोड़ा सा बॉक्स की हाइट भी होना जरूरी है, तो 400 पिक्सल मैंने इसकी हाइट दे दी। एक बार रिफ्रेश करके मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आ रहा है। लाइक रिफ्रेश किया तो ये जो ग्रीन कलर का बॉक्स आ रहा है बेसिकली वो मेरा एक मेन बॉक्स हो गया। अब मैं इसके अंदर एक और बॉक्स बनाऊंगा जिससे आपको एब्सोल्यूट का कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा किस तरीके से एब्सोल्यूट काम करता है। लाइक मैंने इसके अंदर ऐसे लिख दिया इनर डिव और ये मैंने क्लोज करा, इसको भी थोड़ा सा सेसेस दे देता हूँ मैं, स्टाइल बॉर्डर वन पिक्सल सॉलिड, लाइक इसके अंदर भी ब्लू बॉर्डर दे देते हैं और विड्थ दे देते हैं इसमें, विड्थ में इसके अंदर 300 पिक्सल दे देता हूँ और हाइट दे देते हैं 200 पिक्सल इसकी हाइट दे दी। तो इनर वाले को मैंने उसके अंदर सेट करा है तो वो ब्लू वाला बिल्कुल उसके अंदर एक तरीके से आ गया। अब मैं जो पोजीशन लगाऊंगा बेसिकली इस ब्लू वाले जो इनर डिव मैंने लिखा हुआ है इसके ऊपर लगाऊंगा तो किस हिसाब से वर्क करेगी ये मेन पॉइंट है। जो इसमें पोजीशन लगाऊंगा वो मैं एब्सोल्यूट लगाऊंगा, तो जो एब्सोल्यूट पोजीशन होती है वो अपने बिल्कुल नियरेस्ट वाले डिव के हिसाब से काम करती है। मीन्स ये किसके अंदर है, ग्रीन वाले के अंदर है, तो मीन्स इसके लिए जो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम होगा वो ग्रीन वाले के हिसाब से ही वर्क करेगा। तो ये चीज हम एक बार देखते हैं किस तरीके से काम कर रहा है। गाइस मैंने एक तरीके से इसे मेन डिप बना लिया और उसके अंदर एक इनर डिप बना लिया। अब मैं इसे पोजीशन जो इनर वाले डिप पे है वो लगाऊंगा, बेसिकली इनर जो पोजीशन एब्सोल्यूट है वो लगा के दिखाऊंगा इनर वाले डिप पर। तो उसके लिए क्लास बना लेते हैं, लाइक मैंने टू नाम से एक क्लास बना ली और यहाँ आके हमने लिखा पोजीशन, आपका जो पढ़ रहे हैं अभी वो लिखेंगे एब्सोल्यूट, और एब्सोल्यूट लिखने के बाद वही लेफ्ट राइट टॉप कर सकते हैं। सबसे पहले टॉप लगा के देखते हैं, टॉप में लाइक 100 पिक्सल डाला और ये क्लास हम इस पे इनर वाले डिप पर कॉल कर लेते हैं। इनर मतलब जो अंदर वाले डिप बनाया था उसके अंदर, यहाँ पर वो क्लास कॉल करते हैं और देखते हैं इफेक्ट कैसे आएगा। एक बार आप रिफ्रेश करके देखते हैं, अभी ये इस तरीके से था, मैंने रिफ्रेश किया तो देख रहे हो गाइस, तो जो ये ब्लू वाला अंदर वाला डिप है वो अपने ग्रीन वाले के मतलब उसके हिसाब से टॉप, मतलब वो टॉप से जो गैप हुआ ये वाला जो ग्रीन वाला जो गैप है वो बेसिकली 100 पिक्सल गैप है। अब लेफ्ट पे बिल्कुल ग्रीन वाले से टच है ये, तो मैं उसको लेफ्ट से थोड़ा सा डिफरेंट अलग करता हूँ। तो लेफ्ट से अलग करने के लिए इसके अंदर एब्सोल्यूट तो लिखा ही हुआ है, जस्ट इसके अंदर लेफ्ट लिख दिया और लेफ्ट लिखने के बाद आपका इसके अंदर जितनी वैल्यू आपको डालनी होता है डाल सकते हैं। लाइक मैंने 200 पिक्सल डाल दिया, एक बार चेक करते हैं कि लेफ्ट से कितना हुआ, तो लेफ्ट से एक तरीके से इतना गैप हो गया और टॉप से हमारा 100 पिक्सल है और लेफ्ट से 200 पिक्सल है। तो जो ये ब्लू वाले इनर वाला डिप जो मैंने लिखा हुआ बेसिकली उससे मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट लगाई है और एब्सोल्यूट पोजीशन जो वर्क कर रही है वो ग्रीन वाले के हिसाब से और नियरेस्ट डिप के हिसाब से नियरेस्ट टैग के हिसाब से वर्क करती है, उसके हिसाब से राइट लेफ्ट टॉप होता है बेसिकली, उसको हम पोजीशन एब्सोल्यूट बोलते हैं। और रिलेटिव वाले में क्या था कि वो अपने जो नियरेस्ट जो टैग होगा जो आपका व्यू पॉइंट के हिसाब से जो नियरेस्ट होगा उसके हिसाब से राइट लेफ्ट टॉप करता है। तो इन दोनों में ये बेसिकली मेजर डिफरेंस होता है। क्लियर गाइस, अब हम नेक्स्ट पोजीशन की बात करते हैं जो हमारे एक तरीके से फिक्स है। फिक्स मीन्स नाम से क्लियर है कि जहां पर हम इसको लगा देंगे वो चीज वहां पर फिक्स हो जाएगी। इसको एक बार लगा के दिखाता हूँ। अब गाइस पोजीशन फिक्स लगा के देखते हैं एक बार किस तरीके से काम कर रहा है। लाइक मैंने एक एचआर लगा दिया और एक डिव लिया और उसके अंदर जस्ट ऐसे लिखा लाइक ब्रिज एक नो सॉफ्ट और ये डिव मैंने जस्ट क्लोज कर दिया, ठीक है। और इसके अंदर भी हम कुछ ऐसे स्टाइल लगा लेते हैं पहले, इससे आपको एरिया दिख जाएगा। इसका बॉर्डर लगा लेता हूँ, बॉर्डर वन पिक्सल सॉलिड लाइक रेड कर दिया और इसकी विड्थ भी डाल देते हैं क्योंकि विड्थ पूरा 100% ले लेगा बाय डिफॉल्ट। तो इसके अंदर जस्ट हमने 400 पिक्सल इसका विड्थ डाल दिया। अभी मैं एक बार चेक करा देता हूँ किस तरीके से दिख रहा है ये, तो रिफ्रेश किया तो आप ये देख रहे हैं कि अभी ये इस तरीके से है पेज पर। अब हम इसके अंदर पोजीशन फिक्स लगाएंगे, बट उसके लिए गाइस पेज पर थोड़ा स्क्रॉल होना चाहिए तो डेटा रिपीटेड करना पड़ेगा मुझे। तो डेटा रिपीट करने के लिए कोई भी वेबसाइट से एक बार पैराग्राफ उठा के मैं डाल देता हूँ। लाइक ये पैराग्राफ में जस्ट डेटा को इंक्रीज करने के लिए ऐसा कर रहा हूँ कि पेज पर आपका राइट हैंड साइड पर स्क्रॉल बार आ जाए।
इस तरीके से पी में लेके ये आपका डाल दिया है, और इसको थोड़ा सा रिपीटेड पैराग्राफ कर लेते हैं फिक्स, तभी आपको थोड़ा सा विजिबल होगा किस तरीके से काम कर रहा है। डेटा रिपीट कर दिया है, पहले एक बार चेक करते हैं कि इसमें स्क्रॉल बार आ गया पेज पे, ये देखिए स्क्रॉल बार आ गया। अब मैं पोजीशन फिक्स थोड़ा सा मैं आपको लगा के दिखाऊंगा, पैराग्राफ्स को और रिपीट कर लेते हैं जिससे और अच्छा स्क्रॉल आ जाए हमारे पास। देखिए तो अब अच्छा खासा स्क्रॉल है। रेड वाला जो टिप है बेसिकली जो मैंने अभी सिलेक्ट किया है टेक्नोसॉफ्ट वाला रेड वाला टिप, उसके अंदर हम पोजीशन अब फिक्स लगा के देखेंगे किस तरीके से काम कर रही है। तो हमारा जो डिप था ये था, और इसके अंदर हम लगा रहे हैं पोजीशन, इनलाइन ही लगा रहा हूँ, पोजीशन आपका फिक्स जस्ट इतना कर दिया। इसमें भी राइट लेफ्ट टॉप लगा सकते हैं जो भी आपको लिखना है, लाइक मैंने लेफ्ट लिखा, लेफ्ट से मैंने 200 पिक्सल डाल दिया, मतलब लेफ्ट साइड से 200 पिक्सल पे विड्थ आपका फिक्स हो जाएगा। तो आप ये देखिए ये आपका लेफ्ट से इतने पे जो ये डिप आ रहा है ये अपनी जगह पे फिक्स हो गया रेड वाला डिप। बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा डाल देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा और अच्छे से विजिबल हो जाएगा। तो जहां आप इसको फिक्स करना चाहते हो वहां पर ये डिप फिक्स हो गया है एक तरीके से, देखिए जितना मैं कर रहा हूँ ये उस जगह पे ये डिप फिक्स है, तो लेफ्ट से इतना फिक्स हो चुका है ये डिप। तो ये मूवमेंट नहीं होगा इसके अंदर, तो ये फिक्स अब अपने हिसाब से पोजीशन इसको लगा सकते हैं जहां भी आपको फिक्स करना हो, ठीक है गाइस। तो फिक्स हमारा इस तरीके से काम करता है। अब मेनली बात करूं मैं आपकी स्टिकी पोजीशन की, स्टिकी का कॉम्बिनेशन होता है वो आपका रिलेटिव और आपका एक तरीके से फिक्स का कॉम्बिनेशन होता है। मीन्स इसके अंदर होता क्या है कि आपका एक पोजीशन तक आपका जो भी डिप होता है वो मूव होगा, उसके बाद वो एक तरीके से स्टिकी हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तो उसको एक बार देखते हैं लगा के किस तरीके से काम कर रहा है। तो जो हमारा ये वाला पैराग्राफ था फिक्स वाला, उसके बाद ही मैं एक बी आर लगा रहा हूँ और एक एच आर लगा रहा हूँ, और यहाँ पर एक डिवीजन बनाऊंगा नया, डिप टैग लिया और डिप टैग मैंने ऐसे क्लोज कर दिया और उसके अंदर जस्ट ऐसे लिख दिया स्टिकी डिप, जस्ट इसमें ऐसे लिखा। और इस पर थोड़ा सा सीसेस लगा लेते हैं, इससे आपको दिख जाएगा क्या हम काम कर रहे हैं। बॉर्डर लगा देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड लाइट ब्लू कलर डाल दिया, बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं इस पे, बैकग्राउंड कलर येलो येलो नहीं पिंक कर देते हैं इस पे, क्योंकि हम येलो यूज कर चुके हैं। तो इस तरीके से डाला, और उसमें हाइट डाल देते हैं, हाइट मैंने इसके अंदर 200 पिक्सल डाला, और विड्थ डाल देते हैं इसका 400 पिक्सल। तो ये इस तरीके से मैंने इस तक को सेट कर दिया, एक बार दिखा देता हूँ, पोजीशन नहीं लगाई है। तो अभी मेरा ये स्टिकी इस तरीके से यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर विजिबल हो रहा है पिंक। तो ये स्टिकी है, अब इसको हम एक तरीके से फिक्स करेंगे, किस तरीके से करेंगे कि आपका मूव हो फिर रुक जाए। तो यहीं पे हम इसकी पोजीशन लगा देते हैं, पोजीशन आपकी स्टिकी कहाँ रुके, टॉप पे 0 पिक्सल पे रुक जाए। तो बेसिकली आपकी ये दो चीजें यूज हुई है इसके अंदर, आपको एक बार हाईलाइट कर देता हूं, आपका पोजीशन स्टिकी और टॉप 0 पे ये बेसिकली रुक जाएगा। तो एक बार चेक करते हैं किस तरीके से काम कर रहा है, रिफ्रेश किया और इसको मूव करते हैं, जैसे अभी ये मूव हो रहा है, और जैसे ही वो होगा तो देखो डेटा इसके नीचे से निकल रहा है, वो अपनी जो पोजीशन पे फिक्स हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको पोजीशन स्टिकी लगा सकते हैं। जब भी हमें एक तरीके से आपके स्टिकी नेविगेशन आज के टाइम में जो बनाए जाते हैं वेबसाइट पर, वो पोजीशन स्टिकी से ही लगाए जाते हैं। आई थिंक गाइस आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि पोजीशन किस तरीके से काम कर रही है। 5 पोजीशन होती है, एक तरीके से जो स्टैटिक होती है वो डिफॉल्ट होती है, उसको हम नहीं यूज करते। देन आप रिलेटिव यूज कर सकते हो, रिलेटिव मतलब अपने जो नियरेस्ट टैग होगा उसके हिसाब से राइट लेफ्ट टॉप करता है व्यू पॉइंट के हिसाब से, और जो आपका एब्सोल्यूट होता है वो अपने नियरेस्ट डिप के हिसाब से काम करता है, जो उसके नियरेस्ट होगा उसके हिसाब से राइट लेफ्ट टॉप करेगा। फिक्स नाम से क्लियर है, फिक्स कर देता है, जहां भी आप राइट लेफ्ट टॉप लगा के फिक्स लिखोगे वहां फिक्स हो जाएगा।
देन आपका स्टिकी टैग, इसके अंदर आपका रिलेटिव और फिक्स का कॉम्बिनेशन होता है, उसके अंदर आपका एक पॉइंट पे आके मूव करता है, फिर वो जहां आपको स्टॉप करना हो उसको उस पोजीशन पे स्टॉप कर सकते हैं। वो एक तरीके से स्टिकी नेविगेशन बार के लिए उसको यूज करते हैं। आई थिंक गाइस आपको ये पोजीशन सबको सारी क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसमें रिस्पॉन्स कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो गाइस लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अच्छी लगे तो आगे शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा गाइस। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड एब्सोल्यूट पोजीशन से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी और बताऊंगा, जिसको हम जेड इंडेक्स बोलते हैं, उसके बारे में डिटेल्स बताऊंगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसके बारे में डिटेल्स बताने वाला हूँ। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए इतना ही, प्रैक्टिस कीजिए गाइस। ओके, बाय बाय।